हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुक मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक फनी वीडियो की रिएक्शन वीडियो, और इस वीडियो का नेम है दी राइट प्राइड, और कराची वाइंस की ये वीडियो है। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन। माशाल्लाह से हमारे बेटे ने तो MBA किया हुआ है। MBA? मेरी बेटी तो MPhil कर चुकी और अब PhD करने का सोच रही है। क्या बात है भाई। हाँ तो हमारे भाई बाकी सारी एक्टिविटीज में भी तो सबसे आगे हैं। ये देखिए मेडल्स, भाई ने डिबेट कंपटीशन में जीते थे। बस दो मेडल हमारी महिला के पास, तो मेडल्स की तलवार है। ओए 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 ओए। मेरा बेटा तो आर्ट्स में भी बहुत हैवी, आपकी सोच है बेटा, शुरू हो जाए। ओहो क्या बात है भाई, ये तो कमाल ही हो गया। भाई हमारे इंटेलिजेंट भी बहुत है। ये मुझसे आज तक नहीं बना, मैं एक साल हो जाएगा इसको बना रहा हूँ। ओहो हो गया है। तो देखिए बहन, आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन लड़की का असल इम्तिहान तो किचन में होता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा खाना बना लेता है, क्या आपकी बेटी बना लेती है? काबिल हो या नहीं भाई साहब,
हमें ये रिश्ता कबूल है। क्या बात है, जबरदस्त, ऑसम, स्प्लेंडेड, सुपर। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन, हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। बहुत बेहतरीन थी, मजेदार थी, इंटरटेनिंग थी और मैं काफ़ी गौर से और ध्यान से इसे देख रहा था और बाकायदा बखूबी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी यूनिक थी। और जो कि कराची वाइंस की वीडियोस होती हैं, बहुत अलग किस्म की और मज़ेदार किस्म की, उसी तरह ये थी। और बहुत टैलेंटेड इनकी टीम है, बहुत ही अच्छा काम करती है और बिल्कुल करेक्टर में घुस के रियलिस्टिक काम करती है, जो कि जब देखते हैं तो मज़ा आता है। और ऐसी वीडियोस इनकी होती हैं, आप बार बार भी देखिए, इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। और इसी वीडियो के हवाले से मैं कहूँ कि जो कि होता ये कि जब लड़की देखने आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें लड़के वाले देखते हैं, लड़की का चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, आँख नाक कान बाल चाल चलन, ना जाने क्या क्या देखते हैं। तो मतलब उनको भी थोड़ा रियाज करना चाहिए कि आप गायें बकरा थोड़ी लेने जा रहे हैं, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप गायें बकरे को सही से देखें, उनकी आँख देखें, कान देखें, पाँव देखें, चाल देखें, लड़की का कहाँ पर आया है इस तरह से कि आप इस तरह से सारी चीज़ें वगैरह चेक करते हैं। खासकर लड़के वाले जब जाते हैं तो नहीं करनी चाहिए और कुछ आसरा करना चाहिए। ज़ाहिर किसी की लड़की है, किसी की इज्जत है, आप इस तरह देखेंगे तो हो गया काम, फिर तो ज़ाहिर लड़की को भी बुरा लगता है। ज़ाहिर सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको मिलेगी। और दूसरा ये कि लड़कों को भी, मतलब जो लड़की वाले होते हैं वो लड़कों को भी आजकल इसी तरह ही चेक किया जा रहा है कि जॉब कितनी है, पैसे कितने कमाता है, सैलरी कितनी कमाता है, कहाँ से कमाता है, कहाँ खर्च करता है, क्या करता है, इतनी छानबीन करते हैं, जो कि बहुत बहुत गलत किस्म की बात है। इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बिल्कुल ये इस तरह का किसी नबी पैगम्बर साहबा के दौर में नहीं होता, जो कि आजकल होता चला आ रहा है। जबकि पाकिस्तान जो मुल्क है इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन इस्लामी तरीके से यहाँ कुछ भी नहीं होता। जो कि आप कह लें कि चलें ये वीडियो अच्छी थी, मज़ेदार थी और इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक और मुझे बात भी अच्छी लगी, वो ये कि जो है मतलब ज़रूरी है कि लड़की सारे घर का काम करे, लड़का भी उसका हाथ बढ़ा सकता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही और सच और खरी बात है कि लड़के को भी मतलब चाहिए कि वाइफ का अगर वो कुछ काम करा दे, घरेलू काम, किचन का काम या कुछ, तो उसमें कोई बुराई नहीं, उसको हाथ बटाना चाहिए अपनी बीवी का और मिलजुल कर ही चलना चाहिए। क्योंकि जो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं तो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया निकाल दिया जाए तो फिर कैसे चल सकती है गाड़ी या साइकिल या आप कह लें कार या जो कुछ भी, या चार पहियों वाली ले लें आप, तो काफ़ी मसले हो जाते हैं। तभी दोनों मिलजुल कर रहें और मतलब प्रॉपर कोऑपरेट करें तो सब ठीक रहता है। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छे मैसेज के साथ थी और मैंने काफ़ी इन्जॉय की, और मतलब जितना कहा जाए इस वीडियो के हवाले से कम है। और एक तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से एक चीज़ को पेश किया गया है, और जो कि एक्टिंग भी कमाल की थी, सब कुछ परफॉर्मेंस से भरपूर थी, मैसेज के साथ थी बेहतरीन किस्म की, बहुत मज़ा आया इसको देखिए, मैंने इन्जॉय किया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।